नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश और दो काबू किए गए। पकड़े गए आरोपी हत्या जैसी कई आपराधिक वारदातों में शामिल हैं। राजस्थान के पूर्व सांसद की हत्या की फिराक में थे दोनों। लूट की योजना बनाते हथियारों के साथ दबोचा। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से दो अवैध पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस व 1 पल्सर बाइक बरामद की गई। आरोपियों की पहचान श्याम सुंदर निवासी सावत नगर व जिला बीकानेर राजस्थान व देवेंद्र निवासी अटेला जिला दादरी के रूप में हुई है। श्याम सुंदर एक हत्या के मामले में पहले से वांछित है। पूछताछ में और भी आपराधिक वारदातों का हो सकता है खुलासा। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। जिला की सीआईए पुलिस को एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो युवकों को अवैध हथियारों के साथ काबू किया। पकड़े गए आरोपियों ने दो अवैध पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस व 1 पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया गया। दोनों आरोपी कई आपराधिक मामलों में वांछित हैं। साथ ही इनके बिहार पटना जेल में बंद गैंगस्टर अजीत बड़बर से भी रिश्ते जुड़े हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों में श्याम सुंदर निवासी सावंत सर जिला बीकानेर राजस्थान का बताया जा रहा है तथा दूसरा देवेंद्र निवासी अटेला जिला दादरी का रहने वाला है। श्याम सुंदर राजस्थान में एक पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी की हत्या के योजना बना रहा था। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है ताकि अन्य वारदातों को आप भी पता लगाया जा सके और इन वारदातों से जुड़े हुए कई अन्य व्यक्तियों की पहचान भी हो सके। प्रेस वार्ता को जानकारी देते हुए डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि सिरसा की सीआईए ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और दोनों आरोपी क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं और दोनों के ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ताज़ा मामला हाल ही में फतेहाबाद के एक हत्या के प्रयास का मामला था जो इन पर दर्ज है। इसके साथ साथ राजस्थान में भी कई आरोपी श्याम सुंदर के खिलाफ कई और भी मामले दर्ज हैं। दोनों युवक अहमदाबाद के क्षेत्र में एक लूट की योजना बना रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए की टीम वहां पर पहुंची और आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों ने सिविल गाड़ी समझते हुए सीआईए की गाड़ी को ही लूटने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों आरोपी काबू कर लिए गए। सीआईए की पूछताछ में दोनों ने बताया कि वह बिहार और पटना के जेल में बंद अजीत बड़बर गैंग के पहले से ही संपर्क में हैं। उन्हें हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए करीबन आधा दर्जन पिस्तौल वह 500 कारतूस बिहार से मिलने वाले थे लेकिन इस बीच में ही पकड़े गए। डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि दोनों से पूछताछ अभी तक जारी है। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। कल ये हमारी जो एक और दो की इंटरवेनिंग नाइट थी उसमें सीआईए सिरसा की टीम पेट्रोलिंग में थी तो सूचना मिली, उस आधार पे एक लूट की रोड रॉबरी की प्लानिंग बनाते हुए उसका प्रयास करते हुए दो बदमाश पकड़े हैं एलनाबाद थाना के एरिया से मिठी सुरेरा के पास से। और पूछताछ मतलब पकड़े हैं तो उनसे दो हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं, एक मोटरसाइकिल भी मिली है। और जब पूछताछ हुई तो बड़े खुलासा ज़बरदस्त खुलासे हुए हैं उसमें। ये एक जो लड़का इसमें श्याम सुंदर है ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और इसके खिलाफ पहले भी 4-5 मुकदमे हैं जिसमें से 366 का एक मुकदमा है किडनैपिंग और रेप का और एक आर्म जख्त के दो मुकदमे हैं, थेफ्ट के दो मुकदमे हैं। और ये वांटेड था एक 302 एक मर्डर किया था अभी इन्होंने सिंगाणा के पास अभी इसी लगभग 20 दिन पहले एक व्यक्ति का, उसमें ये तीन थे, एक ये था दो अन्य थे। और उसके बाद अभी लगभग 10 या 12 दिन पहले इन्होंने फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी एक आदमी के ऊपर फायर किया था, हत्या का प्रयास था वो भी। वो फॉर्चुनेटली वो कॉक हो गई पिस्तौल और गोली दोबारा नहीं चली तो वो बच गया। तो 307 का फतेहाबाद का और एक 302। और उससे ज़्यादा गहरी चीज़ जो ये है कि ये राजस्थान में अभी इन्होंने योजना थी, राजस्थान में एक बीकानेर से एक्स एमपी और एक्स एमएलए हैं और जो विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे हैं राजस्थान विधानसभा पिछली योजना में, तो उनकी हत्या का एक प्लान इन्होंने बनाया हुआ था। और उसके लिए पूरी योजना थी कि जेल में जो इनका एक अक्यूज्ड जैसा थी उसके साथ उस तालमेल था उसका पटना में, वहाँ से इन्हें 6 पिस्टल 550 कारतूस और पूरा जखीरा लेके आना था वहाँ से। और उसके एवज में जो दो आदमी और थे जो कि जो हथियार इनको प्रोवाइड करवा रहे थे वहाँ से, उनके भी एक एक आदमी का मर्डर करना था। तो ये बहुत अच्छी मतलब सराहनीय कार्य है सीआईए सिरसा के जवानों का और अफसरों का, ताकि अदरवाइज ये निश्चित रूप से बहुत जल्दी 10 दिन में ही कोई ना कोई बड़ी वारदात को अंजाम देते। वो हैं मिस्टर रामेश्वर लाल डूडी,
जो पहले एमपी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और अभी वो फिलहाल पिछली योजना में एमएलए थे और विपक्ष के नेता थे विधानसभा में। कौन से जगह से एमपी थे? वो बीकानेर में ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैं बताता हूँ दोनों की ही, देखो बैकग्राउंड में जाए ना कि बच्चे क्रिमिनल कैसे बनते हैं। ये जो लड़का है जो राजस्थान से बीकानेर से जो लड़का श्याम सुंदर, इसके जो फादर हैं, जैसा कि इसका बयान अभी वेरीफाई किया जा रहा है, वो इसके फादर के खिलाफ 50 से ज़्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हैं। वो कह रहा है राइवलरी है, पड़ोस में किसी से दुश्मनी है, तो हमारे लगातार हत्या के भी मुकदमे दर्ज हैं और लड़ाई झगड़े के और सब तरह के केसेज हैं। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड फैमिली में ही है, हालांकि इसके बाकी भाई जैसा ये बता रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, ये भी स्टडी कर रहा था। तो इसकी शुरुआत हुई थी एक लड़की से, इसने क्या किया था, किसी लड़की को वहाँ से इसने अगवा कर लिया था, जो 12th क्लास की स्टूडेंट थी उसको लेके दिल्ली भाग गया था, उसमें ये पकड़ा गया था। तो उसमें जब ये गिरफ्तार हुआ तो इसकी जो रंजिश का ये कारण ये बताता है ना, वो यही बताता है कि वो दूर की रिश्तेदार थी इनकी, जो विधायक साहब हैं उनकी, और उस रिश्तेदारी के कारण उन्होंने मेरी पैरवी करी, थोड़ी एक्स्ट्रा पैरवी करी, तो इस कारण से अब मैंने टारगेट कर रखा है कि वो बदला लेना है अपना। जो दूसरा लड़का है जो चरखी दादरी से है, देवेंद्र उर्फ देव, तो वो जो लड़का है उसका भी ऐसे ही है, वो भी गांव स्कूल में जब प्लस टू में पढ़ता था तो उसने एक गांव की लड़की थी, पड़ोसी गांव के लड़के ने, जैसा इसने बताया कि उसने उससे कुछ बदतमीजी कर दी, तो इसने उस लड़के को पीट दिया, उस बात पे इसको स्कूल से निकाल दिया गया, तो पढ़ाई छोड़ दी इसने। और उसके बाद इसने पहले एक इसका मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा था, और उसके बाद एक दूसरा मुकदमा 420 का था, वो एक कोई दूसरा लड़का था किसी गांव का, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड मतलब अंदर कीटाणु थे इस तरह के, वो इसके पास आ गया पैसे लेकर, स्कॉर्पियो लेकर घर वालों से भाग के, उसके फादर ने उस लड़के के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया और इसको भी फिर वो ऑटोमेटिक मुलजिम बनना था क्योंकि ये उसके पैसे खर्चवा चुका था तब तक। तो वो अभी तक की पूछताछ से इसके वही केस सामने आए हैं। बाकी बदमाशों से इसका राजस्थान में कुछ जो जेल में बंद हैं उनसे इसका भी संपर्क अभी तक की पूछताछ से पता चला है, बाकी सारा विस्तृत विवरण आगे पूछताछ में निकलेगा। तो लड़का है जो चरखी दादरी वाला, ये एक राजस्थान में इसका दूर का रिलेटिव जेल में बंद है, ये उससे मिलनी करने गया था और वहीं पे इसकी ये उस टाइम ये भी बंद था श्याम सुंदर भी, तो इसकी वहाँ उससे मुलाकात हुई थी, जैसे ये बेल पे आया तो ये फिर दोनों टच में आ गया आपस में। गैंग है सर इनकी, कोई बड़ी गैंग है कोई कि या किसी बड़ी गैंग से लिंक इनके? वैसे अजीत बड़बर एक है, सिंगाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो, उस अजीत बड़बर जो जेल में है उससे इनके तालमेल पता चले हैं।